हेलो फ्रेंड्स, इट्स सेकंड डे, सेम ब्लॉग। वी आर अगेन एट महाराणा प्रताप स्मारक। आखिरकार आप लोगों को अधूरा कैसे दिखा सकता था। तो आज अभी समय हो रहा है 5, कल हम आए थे 7 बजे के आसपास, तो बंद हो गया था, 6 बजे क्लोजिंग टाइम है। तो आज हम फिर आ गए हैं आपको दिखाने के लिए। सो बने रहिए, पहले चलते हैं, टिकट लेते हैं, एंट्री मारते हैं और आपको दिखाते हैं जो कल हमने नहीं देखा था। लेट्स मूव। सो चलते हैं विंडो टिकट पे, पढ़ लेते हैं। दो बच्चे बच्चे रेस्टोरेंट की कोटी है, कंसेशन नहीं, टिकट ही 50 रुपए कर रखे। आज 50 है कि वैसे भी 50 है? नहीं, आज ही कर रखे, आज कल हो गया, परसों हो गया, मतलब आज लास्ट डे। हाँ, आज लास्ट डे। बाकी कितना है? 160। सो फाइनली टिकट ले लिया है। तो डिस्नो आ जा, लेजर सो भी 50 जो आ। हाँ, कल 100 रुपए हो गए। अच्छा, सो फाइनली जहाँ कल हम नहीं आए थे आज एंट्री मार रहे हैं। वाह यार, मस्त। अरे जगह सूटी है ना, सो गाइस ये देखो एंट्री पे आपको सब दिखेंगे। लास्ट कल हम वहां गए थे, आज हम उसके सामने अपोजिट यहाँ पे खड़े हुए हैं। इट्स पिक्चर पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे भी हमने फोटो डाला है, और बढ़ते हैं आगे की तरफ, फिर धमाल करते हैं दूसरी जगह पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे आके, और धूप के कारण थोड़ी तकलीफ है। इतनी भीड़ क्यों है भाई, इतनी भीड़ क्यों है? सब शो के लिए बैठे हुए पब्लिक, इतनी भीड़ मचाते हुए, लड़ाई करते हुए, सब लोग लड़ते हुए जाते हुए। हमें नहीं जाना था फिर भी जा रहे हैं। सो लेट्स कम। हेलो भैया, आगे निकलिए, अंदर फोटोग्राफी नहीं करनी है, गाइड समझा के आगे निकलो। अच्छा, गाइड कहाँ गया? वो सबसे आगे, सबसे आगे। हमको नहीं सुनना है तो भी समझ लें। चलो भैया, गाइड कहाँ गया? गाइड कहाँ है? गाइड अभी नहीं होंगे क्योंकि अभी पूरी भीड़ हो गई है, इसलिए आपको ही पढ़ना है ये चीज़। पढ़ के समझाइए। वैसे गाइड तो होता है ना आपके यहाँ? होता है, पर अभी ये भीड़ इतने लोगों को एक साथ नहीं बता सकते। अच्छा, सो गाइस जब भीड़ होती है तब, अच्छा वीडियो नहीं बनानी है। सो गाइस ये देखिए, मैडम की रेसिपी
सो फाइनली अब हम आते हैं एग्जिट की तरफ। पीछे मैं इनके साथ आ रही हूँ। है ना, ये बना वो रे मुकेश पता मुकेश के लिए। सो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई लोगों। चुंडा जिनको इतिहास में रुचि है इसको जूम करके देखिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। महारानी थी पद्मिनी। बप्पा राहुल तो गाइस काफ़ी रश होने के कारण आज गाइड नहीं है, तो हम अपने आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो भी बता रहे हैं समझ लेना, नहीं समझ में आए तो भी समझ लेना, उसका कोई इलाज नहीं है। आपको दिखाते हैं दरियाली घोड़ा जिसे कहते हैं गेंडा। ये देखो इसके सींग, डरना मत, हाँ असली नहीं है, दोनों ही कनेक्ट हुए रस्ते पे। ये है सबसे ऊंचा जिराफ। अभी टाइम है ना,
क्या जाए पहले वेट करना पड़ेगा फुल हो जाएगा तो आप फोटोग्राफ कर लीजिए यहाँ पे। नहीं तो अभी खाली ना, अभी खाली है ना सर। भैया 30 जने ज्यादा मेंबर नहीं बैठ सकते। अच्छा तो हमारे पीछे कोई सब 30 जने ये है 30 से 40 जने मिलेंगे। सो गाइस यहाँ पे रोबोटिक एक शो होने वाला है, इसके लिए हम बैठे हुए हैं, पब्लिक बैठी हुई है, देखते हैं। पब्लिक सब जगह लड़ती रहती है, इस शो के लिए भी लड़ रही है। ये लड़ती रहती है, ग्रुप के साथ कुछ समझ में कुछ ध्यान नहीं करी। हाँ तो आप रुकिए ना 2 मिनट, बच्चे तो जाने के साथ बच्चे आ रहे हैं, सामने वाले बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। भैया लड़ो मत यार, लड़ो मत यार। अरे थोड़ा तो संस्कार रखो यार, लेडीज को बच्चों को क्यों दबा रहे हो? नहीं देखोगे क्या फर्क पड़ेगा यार? कई है यार, सबका नंबर आ जाएगा यार, इतना इजीली नंबर आ रहा है फिर भी दबा रहे हो जबरदस्ती। लोग भी यार कई यार, बैठोगे बेटा? बैठेगा तू? शो थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, आपको दिखाएंगे। इट्स लेजर शो सर, मैनेजमेंट करते हुए इसे 5 शो और हैं, कोशिश करूंगा दिखाने की। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने अधीन कर लिया। उसका पुत्र खिंजर खान 1316 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा, फिर अपने विश्वस्त सिरोही के राजा मालदेव को चित्तौड़ सौंप दिल्ली चला गया। अरे अरे दिखता नहीं, कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूँ, मुझे उसका शिकार करना है। तो वही रुके रहो, मैं आपका शिकार ला देता हूँ। फर्स्ट शो खत्म हुआ, ऐसे 5 शो और है, आप आके देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। वीडियो अलाउड नहीं है इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप आइए और एक्सप्लोर कीजिए, अच्छी जगह है, पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा यार के बारे में। मिलते हैं बाहर निकलने के बाद। शरबत ही शरबत, आफ्टर एग्जिट ऑफ दिस यू गेट दिस। तो फ्रेंड्स आफ्टर द शो, हाँ चल रहे हैं। हमने वहाँ से आपको कल म्यूजिकल फाउंटेन दिखाया था, ये रही उसकी सिटिंग और ये सब कुछ अरेंजमेंट बैठने का। ये 2 शो थे 7:30 से 9:30। अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, बट उससे पहले हम चलेंगे एक शो में। पब्लिक चारों तरफ खचाखच, शो में घुसते हैं, देखते हैं शो में क्या है। मोबाइल फोन सब बंद है। उसे दुखों से मुक्त कराने के लिए ही हमें अपना जीवन लगाया है। हमें केवल धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है। सो गाइस ड्यू टू टेक्निकल इशू शो स्टॉप हो गया है, पता नहीं क्यों। अभी हम खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि क्या होता है आगे, चलता है और लाइट चालू होगी मतलब फिर से शो से स्टार्ट होगा। चलो ये क्यों? सो टेक्निकल इशू के कारण हमने लेफ्ट कर दी है प्लेस। हम आ गए हैं बाहर, सब बैठे हुए हैं। ओ तेरी वारुचिवा
सो गाइज आपका और हमारा लक बहुत तेज है, बाय मिस्टेक म्यूजिकल फाउंटेन चालू हो गया है, हम शो में नहीं जा रहे थे बट हमको अभी देखने को मिल गया है, ऐसा व्यू है रात को लाइटिंग में, ये सब पूरा अलग से दिखेगा लाइक ए सिमिलर, सो आप इंजॉय कीजिए, देख लीजिए अभी। और ये भी मैंने आपको दिखा दिया म्यूजिकल फाउंटेन, इस पर पूरा शो बनता है। और गाइस अभी ये रात को चालू होने वाला था पर अभी चालू हो चुका है, आप एंजॉय करो, मजे लो। जय जय महाराणा प्रताप, जय जय महाराणा प्रताप, जय वाणी इन पंडित जी को देख के तेरे नाम का एक सीन याद आ गया मुझे। वाओ सो हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, इट्स भक्ति धाम। पंडित जी भी आ रहे हैं। पंडित जी का काम दर्शन कराने से ज्यादा, आओ पंडित जी दर्शन वर्शन करें। पंडित जी आप भगवान को संभालो, पंडित जी भगवान। सिद्धि विनायक प्रसाद है, प्रसाद ले गया। द्वारकाधीश श्री चार भुजनाथ जी का मंदिर, एक लिंगनाथ जी का मंदिर, सावरिया जी का मंदिर, माता रानी की जय, चामुंडा माता जी का मंदिर, राम दरबार मंदिर, पूरा व्यू जय बजरंग बली। गाइस इट्स ऑसम प्लेस और काफ़ी सारी फोटोजेनिक प्लेसेस है जहाँ पे काफ़ी सारे आप पिक क्लिक कर सकते हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप थक जाओगे कि कहाँ पे फोटो क्लिक ना करूँ, इतनी सारी प्लेसेस, इतनी सारी जगह है जहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे फोटो खींच सकते हो। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ेदार जगह है ये और काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, आप मस्त एक्सप्लोर करो। सो गाइस अब आपको लेके चलते हैं भारत माता के मंदिर में, यहाँ पे स्टेयर्स के थ्रू और ऊपर जा रहे हैं हम।
वहाँ पे स्टैचू बनी हुई है भारत माता की। पाण हुन मंदिर में गए थे। सेकेंड ब्लॉक था, आपको ये ब्लॉक कैसा लगा? महाराणा प्रताप का स्टैचू आपको कल दिखाया, आज हम यहाँ पे आए हैं, वाटर शो भी आपको दिखा दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, चलते हैं और फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।